दोस्तों स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों यह मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। दोस्तों यह पीछे बैटिंग पीछे यहां पर 200 से 250 रन बनते हुए नजर आएंगे। दोस्तों यह मैच बेंगलोर में खेला जाएगा, तो दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है कि टीम में प्लेयर को रखना है, किसे करना है कैप्टन, किसे करना है वाइस कैप्टन, मैं सही तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो अब हमारे वीडियो को थोड़ा भी मिस मत करिएगा, अब हमारे वीडियो को सही तरीके से देखिएगा, मैं आपको टीम लगा कर देने वाला हूँ। पहले मैं बात करता हूँ विकेट कीपर सेक्शन से। भाई विकेट कीपर सेक्शन से आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से जो है कि तीन विकेट कीपर खेलने वाले हैं, डी कॉनवे, मोहम्मद रिजवान और टी लथम। तो भाई हमें इन दोनों जो है कि कीपरों को लेना है, डी कॉनवे को, मोहम्मद रिजवान को। आप चाहें तो टी लथम को ले सकते हैं, कब, जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करता है, तो वरना इन्हें ड्रॉप करके चल सकते हैं, इनका फॉर्म भी सही नहीं है। तो भाई बात करते हैं बैटर सेक्शन, भाई बैटर सेक्शन से बाबा को और भाई डैरी मिचल को लेकर के चलना है, इधर से भाई शफीक को भी लेकर के चल सकते हैं और जमान को भी आप लेकर के चल सकते हैं, लेकिन उतना इनका फॉर्म अच्छा नहीं। इन दोनों में से शफीक और फ़कर जवान में से किसी को एक को लेकर के चलना है, तो मैं शफीक को मैं लेकर के चल रहा हूँ। और भाई हम बात करते हैं जो है कि ऑलराउंडर सेक्शन, भाई ऑलराउंडर सेक्शन से हम भाई जो है कि रविंद्रा को और फ्लिप्स को लेकर के चलेंगे। भाई हम जो है कि एम सेंट्रल को नहीं लेकर के चल रहे हैं, एम सेंट्रल को कब लेना है, जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करता है तो इन्हें लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि भाई जो पाकिस्तान वाले ऑर्थोडॉक्स बॉलर से जल्दी आउट नहीं होते। भाई मैं रविंद्रा को इसलिए ले रहा हूँ कि रविंद्रा ऊपर बैटिंग करने के लिए आता है और अच्छा आप लोग को जो है कि रन भी बना करके दे सकता है। तो भाई आप चाहें तो फर्स्ट बैटिंग करता है तो आप लेकर के चल सकते हैं जो है कि एम सेंट्रल को, वन आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। और भाई जैसे हम बात करते हैं जो है कि अहमद को कब लेना है, जब ये फर्स्ट बैटिंग पाकिस्तान करता है तो लेकर के चल सकते हैं। भाई जो है कि सलमान का उतना जो है कि फॉर्म अच्छा नहीं है, सलमान जो है कि बहुत नीचे बैटिंग करने के लिए आते हैं और भाई अगले मैच में यह बॉलिंग नहीं किए, भाई इन्हें हम ड्रॉप करके ही चलेंगे। और हम भाई बात करते हैं बॉलर सेक्शन, भाई बॉलर सेक्शन से आपको तो बॉलर को लेकर के चलना है, भाई जो है कि आपको लेकर चलना है शाहीन शाह अफरीदी को, टेंट बॉल को और रऊफ को। भाई ये आपको तीन बॉलर हो गए और भाई इनमें से आप किसी को लेकर के चल सकते हैं जो है कि न्यूजीलैंड के बॉलर हैं। भाई न्यूजीलैंड बॉलर को ले सकते हैं। एक और आपको कब लेना है जो है कि वसीम को, वसीम जो फर्स्ट जो है कि बॉलिंग करते हैं तो इन्हें ले सकते हैं, वरना इन्हें ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। भाई हम कोई न्यूजीलैंड के जो है कि बॉलर को लेने वाला हूँ, तो भाई न्यूजीलैंड के बॉलर को आप ले सकते हैं टी साउथी को। और भाई आप कैसे मैं अपनी टीम को लगाया हूँ और कैप्टन और वाइस कैप्टन, भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन जो है कि आप किसी बैटर को कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑलराउंडर को भी कर सकते हैं। भाई मैं कैप्टन किसे करूँगा और जो है कि भाई कैप्टन मैं कर दे रहा हूँ रविंद्रा को, और जो है कि फर्स्ट और जो बॉलिंग करता है पाकिस्तान तो भाई जो है कि शाहीन शाह अफरीदी को वाइस कैप्टन कर सकता हूँ। भाई ऐसे आप जो है कि लेकर के चल सकते हैं, और नहीं तो आप चाहें तो बाबर आजम को भी कैप्टन बना सकते हैं। भाई मैं आप कैप्टन वाइस कैप्टन किसी और को कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही लेकर के चल रहा हूँ। भाई आप देख सकते हैं हमारी टीम को मैं कैसे बना करके चल रहा हूँ। भाई ऐसे आप जो है कि टीम को क्रिएट कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा टीम जो कि ऐसे रहने वाला है, इसी के हिसाब से आप जो है कि ले करके चल सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।